नमस्कार असीम आर्यावर्थ में आपका स्वागत है मेरा नाम है गौरव और हम आज बात करेंगे कल जो सुप्रीम कोर्ट के दो फैसले आए उसके बारे में और इन दोनों फैसलों में जो बातें निकल के सामने आई हैं उनके दो दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे तो हम इसको थोड़ा डिटेल में गहराई में देखेंगे क्योंकि बातें ऐसी होती है कि जब इस तरह के फैसले आते हैं तो आपको जो मीडिया में दिखाई पड़ता है चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे न्यूज़ चैनल्स पे हो उनमें एनालिसिस आपको दिख जाएगा क्या उसके परिणाम हो सकते हैं मतलब पॉलिटिकल एस्पेक्ट में कॉन्टेक्स्ट में और आ, उस पर एक्सपर्ट की राय होगी ये सारी चीज़ें होती है लेकिन जनरली आपको जो सरफेस लेवल को स्क्रैच करके उसके अंदर जो चीज़ें होती है इंटेंट क्या होता है या किस किस वजह से ये डिसीजन लिए जाते हैं उस पर बहुत कम तवज्जो दी जाती है बहुत कम इंफेसिस दिया जाता और उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं कुछ कारण ये होता है कि मीडिया में लोग होते हैं जो उनके अपने खुद के पर्सनल बायस होते हैं जो कि एक खास पार्टी को वो सपोर्ट करती हूँ चाहे जो भी उस मीडिया में पैसा लगाता है उनके इन्वेस्टर्स शेयर uh, होल्डर्स वो अपनी तरफ से डिक्टेट करते हैं कि किस पार्टी को फेवर करनी है किस पार्टी को नहीं फेवर करना या फिर uh, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी रहती है ये सारा चीज रहता है एक वेस्टेड इंटरेस्ट रहते हैं लोगों के इसीलिए मेन स्ट्रीम मीडिया में खासकर आपको uh, सच्चाई देखने को जनरली नहीं मिलती है खैर वो तो मेन स्ट्रीम की बात है तो हम तो यूट्यूब पे हैं तो इसीलिए इसको थोड़ी गहरे में एनालाइज़ करेंगे तो चलिए चलते हैं और इसके बारे में बात करते हैं तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने बताया कि चुनाव आयोग को लेके जो फैसला आया है वो यहाँ पे मिंट में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट इज हिस्टोरिक हेयर्ज वाई तो पूरा एक आर्टिकल यहाँ पे दिया है आप इसको गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं आ, बहुत कुछ लिखा हुआ है मैं आपको साम्राज्य वर्जन ज़रूर बता दूंगा और इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो पॉलिटिकल भी है तो इसीलिए मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई इंटरेस्ट है या अभी के आज के विषय में वो रेलिवेंट है तो खैर मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ बात ऐसी है कि अभी के सिस्टम में जो चुनाव आयोग में नियुक्तियाँ होती है ख़ासकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की वो नियुक्तियाँ होती है हमारे जो भारतीय सरकार है उसमें प्रधानमंत्री के द्वारा तो प्रधानमंत्री एक नेम एक नाम जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर होते हैं उनकी नियुक्ति करने के लिए रेकमेंड किया जाता है राष्ट्रपति को वहाँ पे राष्ट्रपति साइन करके इसको ऑफिशियलाइज कर देते हैं तो इस तरह से अभी नियुक्ति हो रही है अब इसमें बातें जो निकल के आती है जो एक तरह से एलिगेशंस भी लगाए जाते हैं और कुछ डाउट भी होते हैं कि इस तरह से अगर इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे तो फेवर जो होगा वो जो पार्टी पावर में होगी उनके लिए होगा और हो सकता है कि जो पार्टी अपोजिशन में उनके लिए अनफेयर हो तो इस वजह से न्यूट्रलिटी पे डाउट आने लगते हैं न्यूट्रलिटी को क्वेश्चन किया जाता है ऑटोनोमी को भी क्वेश्चन किया जाता है तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस थे जिसको बंडल अप करके एक ही केस बना दिया गया और उस पर फैसला दिया गया अब ये तो पुराना सिस्टम मैंने बता दिया नया सिस्टम जो है उसमें पैनल बनाई गई है तीन बहुत इम्पोर्टेंट जो कि मुख्य न्यायाधीश होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके साथ ही प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्षी नेता जो होंगे वो तीनों मिल के इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे और रे, आ, मतलब अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन राष्ट्रपति को भेजी जाएगी फिर वहाँ से फॉर्मलाइज कर दिया जाएगा तो इस तरह से अब प्रावधान होगा जिसको सुप्रीम कोर्ट ने लेजिस्लेटिव बॉडी के तहत इसको कानून बनाने की सरकार को निर्देश दिया है तो संसद में दोनों लोकसभा राज्यसभा में बिल लाए जाएंगे उसको पारित किया जाएगा फिर वो जाके राष्ट्रपति के पास जाएगी तो खैर ये अभी नया सिस्टम लाने की बात की गई है पुराने सिस्टम को पूरी तरह से निरस्त कर कर दिया गया अब इसके दूरगामी परिणाम के तो पहले तो मैं ये बता दूं कि डिसीजन तो देखने में बहुत अच्छा लगता है और सुप्रीम कोर्ट ने एक वैलिड डिसीजन लिया है क्योंकि न्यूट्रलिटी पारामाउंट है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऑटोनॉमी बहुत ज़रूरी है सरकार पे डिपेंडेंसी ना हो इसीलिए इलेक्शन कमीशन के लिए एक अलग से सेक्रेटारीट बना दिया जाए और उसकी डिपेंडेंसी गवर्नमेंट पे बिल्कुल ना हो तो वो भी एक बात कही है अब जो ये सारा कुछ कर रही है सुप्रीम कोर्ट अगर ये अपने पीछे के डिसीजन देखे आज से दो पंद्रह की बात अगर करूं तो उस समय एक इसी तरह का केस आया था और थोड़ा उल्टा है यहाँ पे मैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करूँगा तो वो केस क्या था वो केस था एन अगर आपको याद हो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ये कानून बना दिया गया था कानून मतलब संविधान के अनुसार ये एक्ट बन गया था तो बिल जब पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है अब यही जब एक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया वो यहाँ पे आप देख ले। बेंच ऐसी बेंच स्ट्राइक्स डाउन एन जी ए सी एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड तो आप देख सकते हैं अभी जो इन्होंने रिकमेंड किया है वो बिल्कुल इसी तरह का है इसी तरह के पैनल्स हैं और इसी तरह का लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा जब वो प्रावधान कानून में बना दिया गया तो उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और कहते हैं कि असंवैधानिक है क्यों भाई क्योंकि ना चुनाव आयोग के अपॉइंटमेंट को लेके ना जजेस के अपॉइंटमेंट को लेके कोई प्रावधान हमारे संविधान में है संविधान में ये बात कही गई है कि जो सरकारें हैं या फिर जो लेजिस्लेटिवी बॉडी है वो संसद जो है मेन वो कानून बनाएगी उनको ये प्रावधान है लेकिन डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है ले फिर भी सुप्रीम कोर्ट के पांच जजेस की बेंच ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है अब इसमें क्या था तो मैं आपको बता दूं कि इसमें बात ये कही गई थी कि इसमें भी एक पैनल बनेगा गवर्नमेंट की तरफ से उस पैनल में हमारे मुख्य न्यायाधीश होंगे भारत के उसके अलावा दो और सीनियर मोस्ट न्यायाधीश होंगे तो तीन यहाँ पे मेंबर्स जुडिशरी से आएंगे एक मेंबर आएगा लॉ मिनिस्टर जो कहते हैं कानून मंत्री वो आएंगे और दो सिविल सोसाइटी से प्रोमिनेंट या एमिनेंट मेंबर्स होते हैं जो कि जैसे बहुत सारे ऐसे जो लोग होंगे जिनका बहुत ज़्यादा समाज के लिए कंट्रीब्यूशन है और उनको पद्मश्री से पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया उनको भी इसमें लाया जाएगा तो ये सिविल सोसाइटी से एक गवर्नमेंट से और तीन जुडिशरी से पूरे मिला के छः लोग होंगे जो कि पैनल में बाकी जजेस को पूरे भारत में जितने भी उच्च न्यायालय हैं और उच्चतम न्यायालय के जजेस को वो अपॉइंट करेंगे अभी के सिस्टम में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के अपने जो एक अपना एक ग्रुप है वहाँ पे जो जजेज होते हैं वही अपॉइंट करते हैं बाकी सारे जजेस को जितने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक साइड कह रही है कि गवर्नमेंट अपने तरफ से इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट नहीं कर सकती है लेकिन दूसरी तरफ से जजेस खुद ही अपना अपने जजेज का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं विदाउट द इंटरफेरेंस या फिर रैदर कहें पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट और पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल सोसाइटी अब उसका कारण क्या दिए गए हैं तो मैं बताऊंगा पांच जजेस जो थे उसमें से चार जजेस ने इसको नील वॉइड कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया और एक जो जज थे उनका नाम था जस्टिस यहाँ पे नाम है चिलामेश्वर तो ये बस एक जज थे जो एन एक्ट के हक में थे अब इसमें कारण क्या दिए गए हैं तो यहाँ पे आप देख लें इट इज़ डिफ़िकल्ट टू होल्ड दैट द विजडम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैन बी शेयर विद द पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव इंडिया द ऑर्गेनिक डेवलपमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी अब ये अजीब सा एक स्टेटमेंट दिया गया है हमारे चीफ जस्टिसो द्वारा जो कि निरस्त कर रहे हैं संसद के द्वारा पारित कानून को और उसमें कहा जा रहा है कि हम आ, इंसुलेट रहना चाहते और आगे भी बात कही है एक्सपेक्टेशन from the judiciary to safeguard the rights of citizens of country can only be ensured by keeping it absolutely insulated and independent from the other organs of governance ye justice j s kehar dwara kaha gaya to mujhe to ye bahut hi ajeeb sa ताजुब करने वाली बातें लगती है कि पहला तो मैंटेलिटी ऐसा है कि आप कह रहे हैं कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव आते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बॉडी में या आपके प्राइम मिनिस्टर जो भी मिनिस्टर्स होंगे वो चुन के आते हैं वो वोट लेके आते हैं वो चुनाव जीत के आते हैं उनको आप कह रहे हैं कि आप जुडिशरी में उस उनको पार्टिसिपेंट से नहीं करने देना चाहते उसे इंसुलेट करना चाहते हैं जजेस जो होते हैं वो खुद ही अपने आप को अपॉइंट कर रहे हैं वो अपने आप को ऊपर रखना चाह रहे हैं दूसरा इसमें यह कहा गया कि सिविल सोसाइटी जो है वो अभी भी इवॉल्व नहीं हुई है कि वो जजेज की अपॉइंटमेंट कर सके तो ये एलिटिस्ट मेंटालिटी है मॉरलिटी के नाम पे जजेज अपने आप को ऊपर रखना चाहते हैं बाकी समाज से अब कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम सब नागरिक एक हैं लेकिन मॉरलिटी के नाम पे अपनी वो विचारधारा के अंतर्गत जो जजेज हैं वो अपने आप को बाकी लोगों से ऊपर रखना चाहते हैं वो नागरिकों के हित में काम कर रहे हैं इस मामले में जबकि नागरिक जो चुन के सरकारें भेजती हैं उनको रिजेक्ट कर रहे हैं जजेस तो ये देखने वाली बात है दूसरा जो आ, न्यूज था दूसरा डिसीजन वो था हिंडनबर्ग का अब हिंडनबर्ग का भी जो है उसमें अडानी पे इंडियन बैंक वर्ग की एक रिपोर्ट आई थी जिसके बाद अडानी के जो शेयर के प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा डिप हो गए और मार्केट में बहुत ज़्यादा क्यस आ गया था इस मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे ऐसे केसेस फाइल कर दिए गए जिसके तहत इन्वेस्टिगेशन की बात कही गई तो यही डिसीजन लिया गया कि छह लोगों का फिर से पैनल बना दिया जाए जिसमें एक जो बहुत इंटरेस्टिंग नाम है वो है सोमा शेखर सुंदरसन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है ये कॉरपोरेट लॉयर हैं ये आ, इनको जजेस के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के अपना जो सिस्टम है उसके हिसाब से इनको एलिवेशन करने का रिकमेंडेशन दिया गया है अब इनके बारे में ख़ास बात क्या है तो ऊपर के तो दो मेंबर्स तो इन्फोसिस के ही हैं वो भी अलग सी एक कहानी है तीसरा जो है और बाकी दो जजेज़ हैं उसके अलावा जो ये एक तीसरा नाम है उसके बाद अगर हम उसको आ, ट्विटर पर सर्च करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सो बोर्ड मेंबर ऑफ ऑक्सफैम सोमा सेकरन सुंदरसन इज पार्ट ऑफ कमेटी रिकमेंडेड बाई टू इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेट अडानी ऑक्सफाम इज डायरेक्टली फंडेड बाय बिल गेट्स एंड अदर एलिट जस्ट फ्यू डेज बैक सोरोस सेड ओपनली दैट ही वॉन्ट्स रेजिम चेंज इन इंडिया तो आपको ज्ञात होगा जॉर्ज जो सोरस ने एक बिलियनर है अमेरिका का उसने ये बात कही थी कि भारत में फिर से जनतंत्र को रिवाइव करने की जरूरत है क्योंकि उसको नरेंद्र मोदी पसंद नहीं आ रहे हैं जबकि नरेंद्र मोदी चुन के आए हैं 330 सीट सीट्स लेके जनता उनको पसंद करती है तब ये इससे बड़ी भारत की लोकतंत्र का और क्या नतीजा निकल सकता है भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनतांत्रिक देश है तब भी इनको अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं मिला अपने लोग नहीं मिले तो ये इस तरह की बातें कर रहा और यही ऑक्सफैम को आ, सपोर्ट करते हैं मॉनेटरी वाइज अब यहाँ पे ऑक्सफैम का पूरा यहाँ पे मैं आपको आ, इसका लिंक जरूर दे दूंगा आपको पढ़ना चाहिए इसका ऑक्सफैम के बारे में ये था कि एफ इनको मिलता था यानी फॉरन डोनेशंस ब्रिटिश बेस्ड ये एन है थिंक टैंक कहा जाता है और यू के टाइम में ये पॉलिसीज भी बनाते थे मतलब ये ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन भारत की डोमेस्टिक पॉलिसी में इनका इन्वॉलमेंट था अब जब से मोदी सरकार आई है तो इनके एफ को कैंसिल कर दिया है जो लाइसेंस है तो उसमें भी बहुत हल्ला मजा था और इस वजह से अब ये जो आपको सोमशेखर सुंदरसन ये व्यक्ति इसी ऑक्सफैम से बिलोंग करता था अब बात ऐसी है कि तो इसमें क्या खास बात है बात यह है अडानी का ऑस्ट्रेलिया में भी कारोबार है वहाँ पे उनके कोल माइंस है और साथ में पोर्ट है और ट्रेन ये लेजिटमेट डील अडानी और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के बीच में हुई थी तीन बिलियन डॉलर की और इसके खिलाफ भी सोमशेखर सुदर्शन ने मोर्चा खोला हुआ था यानी पहले से ये अडानी के खिलाफ काम कर रहे हैं एक्टिविज्म कर रहे हैं और इसी बंदे को पैनल में रख लिया गया है तो आप समझ सकते हैं कि, कि कितना बायस फेयर पैनल हो सकता है ये अब ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमारे सबसे उच्चतर न्यायालय जो है उनके द्वारा ये काम किया जा रहा है तो ये बात है कि अभी और भी चीजें हो रही है जिससे यह पता चलता है कि हमारी जुडिशरी जो है वो ज़्यादा एक्टिविट के तरफ जा रही है ना कि आ, केसेस को हैंडल करने के लिए तो जैसे मैंने बोला कि एन को किस तरह से रिजेक्ट कर दिया और अपने अपना खुद का ग्रुप है जो अपॉइंट करते और इस तरह से अपॉइंटमेंट होती है कि नेपोटिन का जुडिशरी पे बहुत ज़्यादा चार्जेस लगता है और कहा जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ जो जडेज जजेज हों या लॉयर्स हों वो एक दूसरे के रिलेटिव निकल के सामने आते हैं इनफैक्ट ऐसा भी क्या देखने को मिलता है कि जो पहले मुख्य सॉरी न्यायाधीश थे उनके द्वारा अपॉइंट किया हुआ जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश आता है वो बाद में पहले जज के बेटे को या बेटी को या रिलेटिव को फिर से सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर देता है तो ये नेपोटिज्म यहाँ पे देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा उसके अलावा नुपुर शर्मा के मामले में भी जजेज ने टिप्पणी की थी जो कि अनवॉरेंटेड थी क्योंकि उसका फैसला में कोई भी जिक्र नहीं था फिर भी उन्होंने टिप्पणी की थी और इसमें बहुत सारे फॉर्मर जजेज ने आपत्ति जताई थी ऑब्जेक्शन रेज किया था और उसके बाद भी बहुत ऐसे स्टेटमेंट्स निकल के आते हैं सरकार के खिलाफ बार बार देखने को मिल रहा है जिससे जुडिशरी का कोई मतलब होना नहीं चाहिए यहाँ पे जुडिशरी जो है वो ओवर कर रही है चाहे वो बी सी आई को लेके चाहे वो अडानी मार्केट को लेके अगर आ, मार्केट में इन्वेस्टिगेशन करने की जरूर ज़रूरत है तो वो से भी इन्वेस्टिगेट करेगी आप नया पैनल क्यों फॉर्म कर रहे हैं जबकि कॉम्पिटेंट ऑथरिटीज़ पहले से मौजूद है ये तो वही बात हो गई ना कि आप हर केस में अब एक नया पैनल स्थापित कर दे सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट और जितने भी अथॉरिटीज़ हैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट के अधीन आता है उसको अंडरमाइन कर दे तो फिर ये गवर्नमेंट को अंडरमाइन करने की बात आती है फिर गवर्नमेंट तो इलेक्टेड है और जुडिशरी के जो लोग हैं वो इलेक्टेड अथॉरिटी में आते हैं तो ये तो डेमोक्रेसी है नहीं जबकि बात करेंगे ये डेमोक्रेसी के बारे में लोगों के हितों के बारे में लेकिन यहाँ पे आप लोगों के हित को ही अंडरमाइन कर रहे हैं ये इसको क्या कहा जाता है अब इसका भी एक नाम है मैं आपको वो बताऊंगा नाम क्या है डेमोक्रेसी को जनतंत्र कहा जाता है या लोकतंत्र कहा जाता है लेकिन जब जजेज खुद ही सरकारें चलाने लगे गवर्नेंस करने लगे तो उसको क्या कहा जाता है वो यहाँ पे इसको कहा जाता है क्रिटार्की या क्रिटोक्रेसी यहाँ पे लिखा हुआ उसका डेफिनेशन मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगा लेकिन ये आप देख ले वॉज द सिस्टम ऑफ रूल बाय बिब्लिकल जजेस इन एंशियंट इजराइल स्टार्टेड बाय मोजेज वो तो अलग बात है तो ये क्रिटार की जो है वो जजेज के द्वारा ही सरकार चलाने वाला एक सिस्टम है अब यहाँ पे बेबलिकल जजेस लिखा है इसका मतलब मॉरल ऑथोरिटी होता है अब हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं वो अपने आप को ज़्यादा इवॉल्व समझते हैं आम नागरिकों से तो वहाँ पे मॉरल ऑथोरिटी का देखने को मिलता है सवाल तो यही बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमारी जुडिशरी इतना ज़्यादा इनका ओवर बढ़ता जा रहा है और ये फिर भी कहते हैं कि जो है डेमोक्रेसी इज़ इन डेंजर डेमोक्रेसी इज़ इन डेंजर बिकॉज यू आर ओवर यू आर ओवर स्टेपिंग योर बाउंड इट इज़ नॉट बिकॉज पीपल आर इलेक्टिंग होम दे आर इंटरेस्टेड इन और होम दे आर इलेक्टिंग टू बी इन द पावर ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपको न्यूज़ में नहीं सुनने को मिलेगी जो कि बहुत लोगों जैसे मैंने बताया कि इंटरेस्ट रहता है कनेक्शंस रहते हैं इस वजह से नहीं आपको ये देखने को मिलता है तो आपके विचार इसमें क्या रहेंगे वो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं साथ में ट्विटर में मेरे साथ जुड़े और फिर से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करे, बेल करे, बेल करें बेलाइकन को प्रेस कर दे और साथ में वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अभी के लिए इतना ही अगली बार फिर मिलता है तब तो तक के लिए नमस्ते जय हिंद